नमस्कार, कैसेग्रेन.com से मैं हूं गोगी और आपकी यहां पर हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आज जो वो आपको बताएंगे इस जू क्रॉकर के बारे में कि अगर आपके पास में ऐसा स्पीकर है या फिर आपके पास में कोई और स्पीकर भी है तो आप उसको अपने फ़ोन से पेयर कैसे करेंगे, यानी फ़ोन से कनेक्ट कैसे करेंगे, ब्लूटूथ से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो नॉर्मल सी बात है, इसको ऑन करना पड़ेगा और ऑन करते ही धमाका करता है सुनो इसकी बात। इस तरह से ये रेडी हो जाता है। उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पर देखिए ये मोड का आइकन मिलेगा एक, आप इस मोड वाले आइकन पे क्लिक कीजिए। FM tuner. ये FM वाला है। Your Zoo Rocker is ready to pair. यहाँ पर ब्लूटूथ के लिए BLU लिखा हुआ आ जाए या ब्लूटूथ ही लिखा जाए या फिर ये बोले ब्लूटूथ मोड, तो फिर हम लोग जो वो कनेक्ट कर सकते हैं अपने फोन में। और मैं निकालता हूँ मेरा फोन, इसको करते हैं साइड में और मैं आपको इस तरफ जो वो दिखाने वाला हूँ कि कैसे जो वो आप ऐसा कर सकते हैं। काफ़ी आसान प्रोसेस है, आपको करना क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो मैं कर लेता हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नज़र आ जाए। तो ये जो वो बिल्कुल अभी रेडी है पेयर होने के लिए। और आपको ऊपर की तरफ से जो वो सेटिंग्स में चले जाइए, आप सेटिंग्स में जा करके वहाँ पर आपको लिखना है ब्लूटूथ। कोई भी फ़ोन हो, सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको वो वाला ऑप्शन मिल जाएगा ब्लूटूथ पे, आप क्लिक कर दीजिए और ऑप्शन मिले आपको ब्लूटूथ पे क्लिक कर दीजिएगा। सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ पर देखिए ब्लूटूथ के सामने ऑन करने के लिए बटन मिलता है एक, आप उस ऑन वाले बटन पे क्लिक कीजिए और आपको रेडी टू पेयर वाली डिवाइसेस नीचे के देखिए अवेलेबल डिवाइस मिल जाएगी आपको वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है जैब रॉकर थंडर, यानी जो भी फ़ोन है, जो भी आपका स्पीकर है उसका नाम जो वो आपके फ़ोन में नज़र आ जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए। देखिए पेयरिंग कर रहा है, लिखा हुआ है पेयरिंग, और ये कहते हैं कि क्या आप सच में इसके साथ पेयर करना चाहते हैं, तो अगर आप ये आपका है खुद का तो ही पेयर पे क्लिक कीजिए। तो आप इसको The wireless device has connected successfully. तो कह रहे हैं पेयर कर लीजिए, तो पेयर हमारा हो गया है। अभी मैं आपको म्यूजिक प्ले करके दिखाऊं, तो वन सेकेंड मैं दिखा देता हूं आपको। और अभी लीजिए, ये लीजिए, ये म्यूजिक मैंने यहाँ पर प्ले किया है मेरे फोन में और इसमें जो वो बजने वाला है। अब मेरा नेटवर्क थोड़ा सा ढीला है तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, ये लीजिए। तो इस तरह से आसानी से जो आप पेयर कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी तो जरूर दबाइए ताकि ऐसी जानकारियां आपको और मिलती रहे।